इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के पांच ऐसे महान गणितज्ञों को जिनकी याद में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। महान गणितज्ञों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े भारतीय गणितज्ञ थे। कहा जाता है कि 5वीं सदी में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ऐसा करने में उसे 365 दिन का वक्त लगता है। उनके नाम पर ही भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। महान गणितज्ञों की श्रेणी में दूसरा नाम श्रीनिवास रामानुजन जी का आता है, जिन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स, एलिप्टिकल फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज पर काफी काम किया। कहते हैं कि रामानुजन जब अंग्रेजी विषय में फेल हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गणित सीखा और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। इस श्रेणी में तीसरा नाम आता है शकुंतला देवी जी का। बेंगलोर में जन्मी शकुंतला देवी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने भारत के बड़े विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उन्हें मानव कंप्यूटर भी कहा जाता है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं सी आर राव। कर्नाटक में पैदा हुए सी आर राव अपनी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के लिए जाने जाते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय से उन्होंने मैथमेटिक्स में एमए की डिग्री ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्टैटिस्टिक्स में गोल्ड हासिल किया। उन्होंने 14 किताबें लिखी हैं और बड़े जर्नल्स में उनके 350 रिसर्च पेपर छपे हैं। करीब 18 देशों के विश्वविद्यालयों से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली हैं। 5वें नंबर के महान गणितज्ञ हैं सी एस शेषाद्री। सी एस शेषाद्री ने अल्जेब्रिक ज्योमेट्री में बहुत काम किया। मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। उसके अलावा उन्होंने शेषाद्री कांस्टेंट और नरा-इसम शेषाद्री कांस्टेंट की खोज की। साल 2009 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विश्व की प्रसिद्ध गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी। ईरान में जन्मी प्रसिद्ध गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला थी। उन्हें यह सम्मान ज्यामिति और डायनेमिकल सिस्टम के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था। मरियम ने किशोरावस्था में ही इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए थे। 1936 में गणित में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणितज्ञों को यह मेडल देने की शुरुआत की गई थी। सन 2007 में मरियम ने मैथ्स में फील्ड मेडल जीता। मरियम को 2013 में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से सेंटर पुरस्कार और 2009 में ब्लू मैथल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 जुलाई 2017 को मरियम का 40 साल की उम्र में निधन हुआ।